नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बात करेंगे सबसे पहले भोपाल की, जहां पर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं पुलिस की तरफ से, पुलिस ने पानी की बौछार भी की है। महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। राजधानी भोपाल की सड़कों पर उतरकर बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के नेता पहुंचे हुए थे और पुलिस से झड़प भी हुई है यूथ कांग्रेस के नेताओं की। पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं, पुलिस को पानी की बौछारें भी छोड़नी पड़ी हैं यूथ कांग्रेस के नेताओं पर। ये तस्वीरें आपके सामने, कांग्रेस के नेता है ना, कर लेंगे बातचीत। भीड़ को तितर बितर करने के लिए किस तरीके से पानी की बौछारें हुई, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बेरोजगारी, महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। बैरिकेटिंग लगाकर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। हालात को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े और पानी की बौछार भी की कांग्रेसियों को तितर बितर करने के लिए। पुलिस ने जीतू पटवारी को गिरफ्तार किया। विरोध के दौरान आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें भी हुई, वाटर गन का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर ये देखिए तस्वीरें, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आपको बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े हुए नजर आ रहे होंगे और इसी तरीके से बैरिकेडिंग को लांघ कर आगे बढ़ने की कोशिश कांग्रेसी नेताओं ने की थी। वहाँ पर उन्हें रोकने के लिए पुलिस की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए और बैरिकेडिंग को लांघ कर आगे बढ़ने की कोशिश थी कांग्रेसी नेताओं की, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। जीतू पटवारी आपको वहां पर नजर आ रहे होंगे किस तरीके से बैरिकेड्स पर चढ़े हुए वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ कांग्रेसी नेता भी और युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता आपको उनके पीछे बड़ी संख्या में नजर आ रहे होंगे। अगर इस सरकार ने 2 लाख नौकरियां और हर घर को रोजगार देने की बात कही और ऑनलाइन जुए के कारोबार को लीगलाइज कर दिया, क्या अभिभावकों ने इस नाम के वोट दिए थे कि जुआ खिलवाओ हमारे बच्चों को? तो ये जुए सट्टे की सरकार का विरोध है। मध्य प्रदेश का युवा हर स्तर पे करेगा, हर बार करेगा और इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जो घोषणा पत्र आपने रामायण और गीता जैसा बताया उसमें इस तरह की ऑनलाइन गेमिंग से जुए सकते हैं बच्चों को ऑनलाइन सोशल मीडिया पे व्यस्त करने की बात करी। उधर जबलपुर में व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के पालन पर सुनवाई हुई। सरकार के जवाब से हाईकोर्ट असंतुष्ट है। कोर्ट ने अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पर अवमानना का केस, प्रदेश के ADGP ट्रैफिक पर भी अवमानना का केस दर्ज हुआ। कोर्ट ने अधिकारियों पर सख्त टिप्पणी की है। क्या अक्षम अधिकारियों के बूते आगे बढ़ेगी सरकार, ये सवाल पूछा कोर्ट ने। 15 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है इस मामले पर। तो व्हीकल एक्ट, जी हां, व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के पालन पर सुनवाई हुई जबलपुर हाईकोर्ट में। सरकार के जवाब से हाईकोर्ट असंतुष्ट नजर आया है। कोर्ट ने अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पर अवमानना का केस है, प्रदेश के ADGP ट्रैफिक पर भी अवमानना के केस दर्ज हैं। कोर्ट ने अधिकारियों पर सख्त टिप्पणी की है और सवाल भी पूछा है सरकार से कि क्या अक्षम अधिकारियों के बूते आगे बढ़ेगी सरकार। अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल यहां पर खड़े हुए। 15 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे जबलपुर का ही रुख कर लेते हैं। पवन पटेल हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ लाइव। पवन, व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के पालन पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट सरकार के जवाब से असंतुष्ट नजर आया है और एक सवाल भी कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने पूछा है अधिकारियों को लेकर कि क्या अक्षम अधिकारियों के बूते सरकार आगे बढ़ेगी। एक फटकार हम कह सकते हैं सरकार को।
बिल्कुल सरकार को भी फटकार है और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट विभाग के उन तमाम अधिकारियों के ऊपर को भी सख्ती से जो है कोर्ट ने फटकार लगाई है, जिनके बूते ट्रांसपोर्ट विभाग है यानी पूरे प्रदेश की यातायात व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है। दरअसल पूरा मामला हाईकोर्ट के उस आदेश को लेकर के है जिसमें हाईकोर्ट ने 50 दिनों तक लगातार ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कराने के लिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कहीं न कहीं ये लापरवाही सड़कों पर भी देखने को मिली, जहां न तो ट्रैफिक विभाग के अधिकारी मौजूद थे न बल मौजूद था और सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के ये पूरी कवायद जो है हाईकोर्ट ने करने के निर्देश दिए थे, क्योंकि लगातार सड़क हादसों का जो आंकड़ा है वह बढ़ता जा रहा था जिससे लोगों की जान पर खतरा बना था। साथ ही सड़कों पर बेतरतीब यातायात के कारण कई और भी घटनाएं होती हैं, ट्रैफिक जाम लगता है, लोगों को आवागमन में देर होती है, समय व्यर्थ होता है, ट्रैफिक पॉल्यूशन होता है ट्रैफिक के कारण, तो ये तमाम चीजें थी जिसको लेकर के हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे, अधिकारियों को भी फटकार लगाई है। साथ ही दो दिन के अंदर सरकार को इसमें स्पष्ट नीति के साथ जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। 15 फरवरी को फिर सुनवाई होगी, अब 15 फरवरी को स्पष्ट होगा कि अधिकारियों ने क्या डेवलपमेंट किया है और ट्रांसपोर्ट सुधारने के लिए, यातायात व्यवस्थाएं सुधारने के लिए, सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए, लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार और ट्रांसपोर्ट विभाग ने क्या रणनीति बनाई है। ठीक है पवन, बहुत शुक्रिया पवन आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। जी हां, मध्य प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 के विरोध में वॉकआउट किया कांग्रेस ने। विधेयक में ऑनलाइन गेमिंग पर GST लगाने का प्रावधान है। इस पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस संशोधन से जुआ सट्टा को बढ़ावा मिलेगा। इस पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस विधेयक में संशोधन होने से महादेव सट्टा ऐप जैसे मामलों पर रोक लगेगी, और इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि इससे युवाओं को लत लगेगी, सरकार सिर्फ अपना खजाना भरना चाहती है। मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि सरकार ने सभी पहलुओं को जांचने के बाद ही संशोधन विधेयक पारित किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष को हर बात पर वॉकआउट करने की आदत पड़ गई है। इस बारे में जरूर मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता है जो इसको संरक्षण दे रहे हैं और उसको लीगलाइज करना चाहते हैं, तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है, प्रदेश के युवाओं के साथ। मैं चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर युवाओं को रोजगार मिले, नौकरी मिले। सरकार अपना खजाना भरना चाहती है, आत्मनिर्भर प्रदेश को नहीं चाहती है, ये सट्टे से आत्मनिर्भर बनना चाहती है। देखिए, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने आज जो बिल लेकर आए हैं उसमें मुझे लगता है कि सारे पहलुओं पर विचार करके ही इस प्रस्ताव को वो लेकर आए हैं जिसको सर्वसम्मति से स्वीकृति मिली। ऐसी कोई घटनाएं घटी हो तो विपक्ष का कहना है? नहीं, सारे पहलुओं पर विचार किया है मैंने, बताया। लोकसभा चुनाव पर जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया। कांग्रेस में टिकट को लेकर जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया है। कहा है 16 सीटों पर 50 साल से कम के नेताओं को टिकट दिया जाएगा, 8 सीटों पर यूथ कांग्रेस के नेताओं को टिकट मिलेगा। ये कहना है अध्यक्ष जीतू पटवारी का कि इस बार लोकसभा की 29 सीट में से 16 सीट 50% से ज्यादा हम 50 साल से नीचे के युवाओं को देंगे, ये याद रखना। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, 50 साल में युवक कांग्रेस की सीमा पार हो जाती है, पर उससे आदि 16 में से 8 सिर्फ युवक कांग्रेस के साथियों को ही लोकसभा का टिकट मिलेगा, ये मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं।